नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 81 रुपीज का स्टॉक हो चुका है और 2% के करीब की रैली यहाँ पर है। मॉर्निंग में वीडियो शूट करूँ, शाम तक जो भी वोलेटिलिटी होगी वो मैं देख लूंगा, बट यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी न्यूज आई है उसके ऊपर चर्चा यहाँ पर होगी। लंबे समय से ये वीडियो पेंडिंग था, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आईडीबीआई बैंक जो फाइनली यहाँ पर बिडिंग होने वाली थी, बिकने वाला था 2018 से ही। अगर आप देखें तो लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि आईडीबीआई बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू बेचा जाएगा। कितना यहाँ पर न्यूज आगे बढ़ी है, कब तक यहाँ पर बेचा जा सकता है, टारगेट क्या लेकर के चलना है। स्टॉक आप देखेंगे तो 27 रुपए से निकल करके 81 रुपीज तक पहुंच चुका है। क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए, क्योंकि बड़ी खबरें जिस तरह से इस बैंक को बिकने को लेकर के आ रही है। दो बड़ी बैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बिडिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो दो बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं जिन्होंने बिडिंग करना स्टार्ट किया। पूरी खबर क्या है, चर्चा में क्या है, बात करेंगे इस बारे में। क्या यहाँ पर निवेश करना है, निकल जाना है, क्या टारगेट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी बिकती है, लेट्स से कि आने वाले दिनों में इस कंपनी को सीएसबी बैंक जो बड़ा नाम है यहाँ पर एक, वो खरीद लेते हैं, तो क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें चार्ट की, चार्ट देखेंगे आप तो चार्ट अभी भी वही चल रहा है हमारा, लोअर एंड से थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ पर ऊपर निकला था, 90 रुपीज तक का हाई लगाया था, उसके बाद दोबारा से गिरावट में है। गिरावट के पीछे का कारण आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर बता दूं कि सेबी ने अभी वार्निंग दी है स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर के, कि जिन लोगों ने भी स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाया था वो एक बबल हो रखा था वहां पे, और वो बबल बस्ट भी हुआ। इस समय पे अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप बात करते हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप को अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर भी रहेगा। हाँ, एक अच्छी चीज ये हुई है कि मार्केट अब इस महीने के एंड में आते आते थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी खबर हो सकती है आने वाले दिनों के लिए। बट अभी भी थोड़ा सा आपको मार्केट में हैवी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन वही है, इलेक्शंस आ रहे हैं। इलेक्शंस के टाइम पे अभी भी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और पॉलिटिकल अगर इंस्टेबिलिटी की बात की जाए, जैसे दिल्ली के सीएम यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं वो देख लीजिए आप, या फिर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही, कांग्रेस के खातों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, वो भी एक बड़ी खबर है आपके लिए। तो इंडिया में पोलिटिकली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी है। आप देखें जर्मनी के विदेश मंत्री ने यहाँ पर कॉमेंट किया इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर के, अभी यूएसए के विदेश मंत्री ने भी कमेंट किया इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर के, खास तौर पे जो केजरीवाल साहब अरेस्ट हुए हैं उसको लेकर के उन्होंने कमेंट किया कि इस तरह से डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर इस तरह से होती है, ग्लोबली अगर नाम खराब होता है, तो उसका एक असर स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी पर भी पड़ता है। मैं यहाँ पर किसी भी पोलिटिकल कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जो ग्लोबली चीजें चल रही है इस पॉइंट पर आप देखिए, इलेक्शन ईयर है आपका, जर्मनी से लेकर के रशिया से लेकर के यूएसए हो गया आपका, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर बड़े साल है इस समय, इस इन देशों में इलेक्शन होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा साल होने वाला है। इसलिए भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा आपको हैवी इन्वेस्टमेंट इस समय पर करने से बचना चाहिए। जहां तक चार्ट की बात रही, चार्ट अभी भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल चार्ट देखने को मिल रहा है, RSI भी न्यूट्रल है, और यहाँ पे अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे, गिरावट जरूर हुई थी बट एक बेस यहाँ पर, एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, तो वो एक अच्छी खबर आपके लिए है। अब चलता हूँ मैं आपको लेकर के न्यूज पर, खबर क्या है आपके लिए, खबर है थोड़ी पुरानी है बट हाँ ये कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने अपने चैनल पे कवर नहीं किया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो कनाडा बेस्ड फर्म फेयरफैक्स ऑफर्स ऑल कैश डील टू अक्वायर आईडीबीआई बैंक। ऑल कैश डील यहाँ पर ऑफर की गई है आईडीबीआई बैंक को अक्वायर करने के लिए। 2018 से ही यहाँ पर बातचीत चल रही है कि आईडीबीआई बैंक को सेल आउट किया जाएगा, बट अभी भी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। स्टार्टिंग में क्या था, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया टू रिवाइव द बैंक, कि भैया बैंक में बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ गया है और बैड बैंक के थ्रू हम इसको रिवाइव करेंगे, जब इसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तब इसको अच्छे रेट पर बेचा जा सकता है। और उसी के कारणवश कंपनी में बहुत सारे बदलाव किए गए, मैनेजमेंट में बहुत सारे बदलाव किए गए। इस समय पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी सुधर चुकी है, 27 रुपए का स्टॉक 81 रुपीज तक पहुंच चुका है, तो ये एक अच्छी खबर भी है। आईडीबी बैंक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिगैन इन अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ है, विद आईसी एंड गवर्नमेंट सेलिंग देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ 30% और 30% यहाँ पर बेचा जाएगा। एलआईसी 30% बेचेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 30% बेचेगी। कितना है इन लोगों के पास ये चेक कर लेते हैं, देखिए क्योंकि ये ऑल गवर्नमेंट बैंक था आप जानते ही हैं यहाँ पे, और इसी रीजन से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलआईसी के पास 49% के आसपास का स्टेक है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 45% के आसपास का स्टेक है। 49 में से 30% एलआईसी बेचने वाली है और लगभग 30% यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बेचने वाली है, तो 60% का स्टेक यहाँ पर डायल्यूट होगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन भी है। फेयरफैक्स की अगर आप बात करें, कनाडा बेस्ड बिलियनर जो है प्रेम वत्सा साहब, ये इसे ऑल कैश डील में खरीदने की बात यहाँ पर चल रही है,
पिछले टाइम पे भी इन्होंने बोला था कि हाँ हम यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे बैलेंस शीट का हवाला दे करके डील को कैंसिल किया था। बट अब दोबारा से जब एक तो जेपी ग्रुप के भी साहब हैं वो भी यहाँ पे बिडिंग कर रहे हैं, और एक ये सीएसबी बैंक, ये व्यक्ति जो है यानी कि प्रेम वत्सा साहब जो है वो सीएसबी बैंक को भी स्पॉन्सर करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। गिवन दैट फेयरफैक्स कंपनी ऑल्सो सर्व एज द प्रमोटर ऑफ सीएसबी बैंक, तो अगर ये कंपनी सीएसबी बैंक के प्रमोटर यानी प्रेम वत्सा साहब के हाथ में जाती है तो सीएसबी बैंक के साथ मर्ज की जाएगी, एक बड़ा बैंक आरडीबीआई बैंक बन के निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली बात है अगर सीएसबी बैंक के साथ मर्ज होता है, आप गूगल करके देखना कि सीएसबी बैंक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बहुत स्टैब्लिश्ड बैंक इंडिया में भी काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर मर्ज होता है तो आरडीबीआई बैंक कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम बन के सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बैंकिंग एक्सपीरियंस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर गलती नहीं करेगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को ये बैंक सौंपे जिनको आइडिया ना हो कि किस तरह से बैंक को रन करना है। प्रेम वत्सा साहब एक अच्छे कैंडिडेट यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन स्टिपुलेट दैट एन इन्वेस्टर कैन नॉट सर्व एज द प्रमोटर ऑफ टू बैंक साइमल्टेनियसली, इसीलिए मर्ज करने की बात यहाँ पर चल रही है। कहने का मतलब यह है कि हमारी इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन जो 1956 है एक्ट के तहत, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बताया गया है भैया कि एक व्यक्ति दो बैंक नहीं चला सकता, इसीलिए सीएसबी बैंक को आईडीबीआई बैंक के साथ मर्ज करने की बात भी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। अगर इनके हाथ में जाता है तो सीएसबी बैंक आईडीबीआई बैंक से मर्ज किया जाएगा। फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग कॉर्पोरेशन स्टेक होल्डर IIFL में भी इनका फाइनेंस में भी इनका प्रमोशन है, प्रमोटर है। ऑल्सो रिसेंटली अग्रीड टू प्रोवाइड $200 मिलियन इन लिक्विडिटी सपोर्ट टू IIFL फाइनेंस व्हिच फेसेस लिक्विडिटी कंसर्न्स फॉलोइंग एन आरबीआई बैन ऑन गोल्ड लोन्स। IIFL पर गोल्ड लोन के ऊपर बैन लगा था वो दूसरी खबर है, बट हाँ यहाँ पर $200 मिलियन के आसपास का लिक्विडिटी फाइनेंस सीएसबी बैंक ने किया था। आपके काम की बात यह है, क्या यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए आपको या नहीं? फाइनेंसिस में अगर आप देखेंगे तो लगातार मार्च 2022 से लेकर के अभी तक 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बढ़ाया गया है। अगर आप मार्जिन की बात करें, मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पर है। 690 करोड़ था, उससे पहले 570 करोड़ था, 570 करोड़ से बढ़ करके 1450 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है, जो कि बहुत ही गजब की बात है। अगर आप यहाँ पे बात करें कि भैया एनपीए वगैरह कितना है, एनपीए में भी अगर आप देखेंगे तो खासा कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, और एनपीए में भी ऑलमोस्ट यहाँ पर देखेंगे 1.5 से 2% के आसपास का जो एनपीए पहले हुआ करता था वो 1% के करीब में आ चुका है। ओवरऑल अगर आप देखें आरबीआई बैंक एक स्ट्रांग बैंक बन चुका है। करना क्या है आपको, खरीदारी करनी है या नहीं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, बट इस समय पर बैंक काफी स्ट्रांग मोमेंटम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों को भी लगता है कि इस बिडिंग से स्टॉक को फायदा हो सकता है, ये एक बेहतरीन समय हो सकता है एंट्री मारने का। चार्ट की बात करें, चार्ट बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल है, खबरें जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, और अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस समय पर वोलेटिलिटी वहां पर हाई रहने वाली है। ऐसे में डिसीजन आपका होना चाहिए कि क्या यहाँ पर निवेश करना है या नहीं। जहां तक टारगेट की बात करें, शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 90 to 92 रुपीज के आसपास आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई भी निवेश करता है तो यहाँ पर 90 से 92 का टारगेट आसानी से आपको बहुत शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, क्योंकि खबरें यहाँ पर पॉजिटिव आ रही हैं। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो वो आपको ध्यान रखना है। 100 रुपीज के तक के टारगेट भी आपको आसानी से आते हुए दिखाई देंगे अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो। बाकी जहां तक बात है स्टॉक की, स्टॉक अभी भी न्यूट्रल पोजीशन में देखने को मिल रहा है। स्टॉक में फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। दोनों ही खबरें काफी इंपॉर्टेंट है, किसी और स्टॉक में आप फंसे हुए हो या इसी स्टॉक से संबंधित कुछ और आपको पूछना हो तो प्लीज कमेंट करना, हम उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे या मैं कमेंट सेक्शन में क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी स्टॉक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, हम उस पर वीडियो लेकर के आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।